सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन क्या हो रहा है। देखिए कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन जो इस महीने होने वाला है, अगस्त के अंतिम भाग की बात कर रहे हैं हम, तो बुध वक्री हो गए और उसके बाद बुध अस्त हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। बुध ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी देते हैं, बुध चीज़ों को व्यवस्था करने की देते हैं, सांसारिक बुद्धि उत्पन्न करते हैं। बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं, वहीं चीज़ों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से समझना, मैनेजमेंट मैनेज करना, सारा का सारा बुध का कार्य है। और बुध वक्री होकर पुनः वापस जाते हुए जिस प्रकार से योग बना रहे हैं और साथ साथ हर्षल ग्रह भी वक्री होने की अवस्था में जा रहे हैं, तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग क्या रहेगा आपके लिए, ये सब बातें आपको समझ लेनी चाहिए। ग्रहों का खेल आपके लिए कैसे रहने वाला है, और जो विशेषतम बात करें इस वक्त कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वालों को समझ लेना चाहिए कैसे ग्रहों का योगायोग आपके लिए बनने वाला है। देखिए ग्रहों का योगायोग समझ लीजिए, 21 अगस्त की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। 21 तारीख को सोमवार का अवसर है, सावन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, पंचमी तिथि है, तो सावन का तीसरा सोमवार बड़े सुंदर तरीके से और विशेष तौर पर पंचमी के अवसर पर नाग पंचमी के रूप में भी इस तिथि की पूजन बहुत क्षेत्रों में की जाती है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद कई जगह बताया गया है, लेकिन शुक्ल पक्ष भी नाग पंचमी के तौर पर बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग विद्यमान हो उनके लिए इस वक्त उपाय कराना बड़ा श्रेष्ठ होता है। और काल सर्पयोग कई बार कुंडली में लोग देखते हैं कि काल सर्पयोग जाएंगे और एक बार जाके पूजा करा के आ जाते हैं, कई लोग भ्रांति हो गई है और कई लोगों ने काल सर्पयोग, देखिए योग है, एक बार कोई जैसे कष्ट दूर करने के लिए आपने कोई खाना खा लिया तो ये नहीं है कि एक बार कष्ट होने से, इसका नित्यपति उपाय करने की आवश्यकता होती है। और ये उपाय साल में यदि एक बार कर लिया जाए, नागपंचमी के दिन विशेष तौर पर ये उपाय यदि एक बार कर लिया जाए, और वो है भगवान शंकर का वामदेव कल्प के द्वारा पूजन, बड़ा सुंदर विधान है इसका। और उस तिथि में अनुसार से वामदेव कल्प का पूजन करने के बाद इसको सिद्ध किया जाता है काल सर्पयोग शांति यंत्र को। जो काल सर्पयोग शांति यंत्र को स्थापित करके रख लेते हैं पूरे साल तक, काल सर्पयोग का दोष उनके जीवन में नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग मेरे पास हमारे पास आते हैं और भ्रांति उत्पन्न करते हैं, बोले जी हम तो वहां जाके कराए थे, कहीं जाके अनेक अनेक लोगों ने आज विभिन्न कथाएं बना ली हैं, लेकिन भैया एक बार करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर जीवन के कष्ट दूर क्यों नहीं हो जाते। ऐसा काल सर्पयोग है तो पूरी जीवन पर्यंत कुंडली में विद्यमान है, उसका नित्य प्रति उपाय चलने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान शंकर की उपासना से बढ़िया कोई रास्ता नहीं बनता। राहु ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए भगवान शंकर का ही उपाय सबसे श्रेष्ठ शास्त्र के अनुसार से बताया गया, हमने देखा है जिन जिनको ये उपाय करने का प्रयास किया बड़े सुंदर तरीके से उनके कष्ट दूर हुए। ऐसे में जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग है उनको वामदेव मंत्र के द्वारा ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमो, कालाय नमो, कलविकर्णाय नमो, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बलमतनाय नमो, सर्वभूतोत्तमनाय नमो, मनोन्मनाय नमो, ये मंत्र है वामदेव कल्प का मंत्र है, इसके द्वारा भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। जीवन पर्यंत आप सत्य मान लीजिए आपके लिए फिर वो दोष लगेगा नहीं, काल सर्पयोग कष्ट होगा बिल्कुल भी नहीं। ये सुंदर तरीके से इस उपाय को यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर भाव है, इसको अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। तो सावन का सोमवार है, इस दिन विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर एक कार्यक्रम रखा हुआ है, भगवान सावन के सोमवार, तीसरा सोमवार जो सावन का है। ऐसे में भगवान शिव का रुद्राभिषेक संपूर्ण रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा रहेगा, आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और जो दूर है वो अपने नाम से गोत्र से हमारे नंबर्स पे फोन पे संपर्क साधकर स्वयं अपने लिए करा सकते हैं। रही बात ग्रहों की गणना के अनुसार से, देखिए ग्रहों की गणना के अनुसार से आपका दिन अच्छा दिखाई देता है, बहुत सारे लोग आपके संपर्क में रहेंगे, हिम्मत से आपको कार्य करने से बहुत सुंदर सहयोग प्राप्त होगा, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका दिन का आधा समय जो है वो संसार के कामों में व्यस्त हो सकता है, यानी दुनिया के कामों में, अपने कामों से बजाय दुनिया के कामों में व्यस्त हो सकता है। दोपहर के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, धन लाभ होने के अवसर प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, यानी शाम के बाद धन आगमन की सूचना सुंदर ग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में भगवान का स्तवन कीजिए, पुण्य का उदय कीजिए, घर बैठे बैठे धन लाभ के योग बनेंगे, ये हमारा निर्णय है, निष्कर्ष है आपकी कुंडली को देखते हुए, आपकी जन्मपत्री को देखते हुए, प्रश्न को देखते हुए। देखिए कर्क राशि के संबंध में बात कर रहे हैं, कर्क राशि हो या कर्क लग्न हो दोनों के मिश्रित भाव का समझाने का प्रयास करते हैं, तो इस बात को समझ लीजिए क्या सा कुछ होने के योग हैं आपके साथ। अब आगे बढ़ते हैं, 22 तारीख की बात कर लेते हैं। 22 अगस्त को ग्रहों का योगायोग क्या दिखाता है, देखिए 22 अगस्त को
मंगलवार है, सावन का शुक्ल पक्ष है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का नक्षत्र आपके लिए गजकेसरी योग विद्यमान करता है। बड़ा सुंदर रहेगा, धनागमन की सूचना रहेगी, केवल आपके प्रयास की कमी रह सकती है। शनि महाराज इस वक्त षडाष्टक योग बना रहे हैं, शनि अष्टम में बैठे हैं आपकी राशि के अनुसार से, तो वो केवल आपके प्रयासों में कमी ला रहे हैं। यदि प्रयासरत रहें तो दूसरा ग्रह गजकेसरी योग बना रहा है, वो धनागमन की सूचना दे रहा है, तो अवश्य प्रयास करिए। प्रयास करने से बिल्कुल आपके लिए बंद रास्ते भी खोल सकते हैं, ऐसा साफ साफ ग्रह योग चल रहा है। इस दिन कल्कि जी की जयंती है, भगवान विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार की। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर रखी है, कलयुग इतनी आयु, अरे 4,20,000 वर्ष की आयु है, अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का आरंभ हुए, भगवान का अवतरण होगा, बिल्कुल अवश्य होगा, लेकिन लाखों साल बाद। तो इसलिए भगवान का भविष्य पुराण ने जिस प्रकार से सूचना दी है, तो भगवान का स्तवन करें, उनके निमित्त भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु का अभिषेक करें, ये सुंदर उपाय है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट भी दूर होंगे। 23 तारीख की यानी बात कर लें, 23 तारीख को सावन का शुक्ल पक्ष चल रहा है, बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों की गणना अभी भी आपके अनुकूल बनी हुई है। चिंता ना करें, काम यदि आप पूरी तरह से करें, जिसमें भी सोचें, जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उसको पूरी तरह से करने का प्रयास कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी संबंध में नेगेटिव मत सोचिएगा। नेगेटिव सोचेंगे इन दोनों ग्रहों की गणना, मैंने सूर्य पर आपका एक अलग से वीडियो बना के दिया है, उसको आप जाके सुन लीजिए क्या होने वाला है आने वाले 30 दिन तक आपके साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस वक्त आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा सोचिए, अच्छा आपके साथ घट जाएगा। और बुरा सोच के घर से चलोगे तो बुरा सामने आपके स्वयं आपको सूचना दिखाई दी। किसी भी जाने से पहले सोचेंगे, अरे आज शायद अवसर मिलेगा नहीं, आज शायद काम होगा नहीं, आप नासपीटों की तरह काम बर्बाद करवा लोगे। चिंता मत करना भैया, पॉजिटिव सोच के जाओ, बोले आज बिल्कुल काम होगा और निष्कर्ष मानेगा, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये ग्रहों का योग आयोग चल रहा है, भगवान सूर्य का ध्यान करें, उनको अर्घ दें, ये सुंदर उपाय है। माँ शीतला सप्तमी भी है इस दिन, तो इस दिन एक उपाय कर सकते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए। नारियल के पत्ते होंगे, आपने देखे होंगे नारियल के पेड़ के पत्ते, जो विशेषकर खजूर के पेड़ के पत्ते होते हैं, उनकी बनी हुई झाड़ू मिलती है बाजार में, वो किसी मंदिर में दान करिए, ये आपके लिए शीतला माता का बहुत सुंदर उपाय है। स्वास्थ्य कामना के प्रति ये उपाय किया जाता है और चंद्रमा इस वक्त स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा शीर्ण चल रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए, चतुर्भाव का चंद्रमा आपका चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, ये उपाय कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। माँ शीतला के निमित्त थोड़ा उनके मंदिर में जाकर भगवान भगवती दुर्गा का अभिषेक करके वो जल लेकर अपने घर में थोड़ा छिड़क दीजिए, आपको कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 24 तारीख के लिए हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन, रात सुबह सूर्योदय से पहले जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले गए हैं, थोड़े कमजोर हो गए हैं, पंचम भाव में हैं लेकिन थोड़े कमजोर हैं, मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी आपके लिए शंकाएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। सूर्य वो कह रहा है शंका मत कर, चंद्रमा कह रहा है शंका कर, मन शंकाग्रस्त चल रहा है, तो यही दुविधा फंसी हुई है। और एक बात समझो, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, इस बात का ध्यान रखना, दुविधा मन में ना हो। वैसे तो लालच में कही गई है मैं, लेकिन आपके लिए कहावत बदल रहा हूं, दुविधा में दोनों जाएंगे आपके, तो दुविधा त्यागिए, आश्वस्त होइए, काम पे लगिए, बहुत बढ़िया योग है। इस दिन दुर्गा अष्टमी है और दूर्वा अष्टमी भी है। वैसे तो भगवती दुर्गा को शास्त्र में कहा गया जाता है कि दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन ये साल में एक दिन आता है, सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इस दिन भगवती को अपनी मनोकामना सिद्ध करने के निमित्त, स्वास्थ्य की कामना के प्रति, कष्टों को दूर करने के लिए दूर्वा अंकुर माँ भगवती को चढ़ाए जाते हैं। इस दिन जो है बुध जो है वक्री हो रहा है, देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध का वक्री होना थोड़ा सा आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, मैनेजिंग कैपेसिटी कम हो सकती है, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी कम हो सकती है, थोड़ा सा आपके मित्रों, आपके पार्टनरों से, मित्रों से, भाइयों से थोड़ा सहयोग कम हो सकता है और उनके वो आपके विरुद्ध थोड़ा कार्य कर सकते हैं, थोड़ा इसको अनुकूल करने का प्रयास करें। उपाय क्या करें, रहे ना दुर्गा जी को दूर्वा अर्पित करो, इससे सुंदर उपाय क्या है, जो कांड दूर्वा है वो विशेष तौर पर हरी दूर्वा जो है वो बुध से संबंध रखती है, सूखी हुई दुर्गा दुर्वा जो है वो केतु से संबंध हो जाती है, लेकिन जो हरी दुर्वा है वो बुध से संबंध रखती है। दुर्गा जी को चढ़ाइए, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, कष्ट दूर होंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन दोपहर को 3:27 तक भद्रा विद्यमान है, तो नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट्स को, नए कॉन्सेप्ट्स को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। दोपहर के 3:27 के बाद ही कोई नया कार्य हाथ में लेने का प्रयास कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं 25 तारीख की बात कर लेते हैं, 25 अगस्त की शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग आयोग आपके लिए शुभ बना हुआ है, लेकिन वही स्थिति है ग्रहों की, पॉजिटिव होइए, विचार करिए, ग्रह जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ग्रह ऐसे बन रहे हैं तो पॉजिटिव होकर कार्य करने को आगे बढ़ते हैं, लिख का आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़ा सा वॉक इत्यादि ज्यादा करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। वैसे सम्मान बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन दिमाग थोड़ा डंप दिखाई देता है इस वक्त,
दिमाग में थोड़ा से कॉन्सेप्ट्स कम आ रहे हैं, विचार द्वंद नहीं द्वंद चल रहा है, तो किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लेकर काम करने का प्रयास करें, भगवान की सलाह लेकर काम करने का प्रयास करो, वो सुंदर रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 25 और 26 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, विशेष तौर पर विशाखा और अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे इन दो तिथियों में। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे जातक आपके घर में जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा ये तिथियां दोनों जो हैं आपके परिवार के लिए, बच्चा और संतति स्वयं के लिए भी भारी रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं 26 तारीख की, शनिवार का अवसर और दशमी तिथि, सावन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है। सब काम छोड़कर प्रथम सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शत्रु आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखने की परम आवश्यकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। धन आएगा लेकिन जाएगा भी, खर्च होने के योग बन जाएंगे, द्वार पहले खोल के तैयार है इन दोनों मार्गों से, स्वास्थ्य पर और विकार के कामों पर, खर्चों पर, जुर्मानों पर खर्च हो सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। उपाय क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, उपाय सबसे अच्छा ये है कि आप एक उपाय करें, तिल लेकर, शनिवार का अवसर है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध में थोड़े तिल डालें, भगवान का अभिषेक कर लीजिए, सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त होगा, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे, तो इससे बढ़िया सुंदर उपाय कोई है नहीं। हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा हो, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। वहीं बात कर लेते हैं 27 तारीख की, 27 तारीख को रविवार का अवसर, एकादशी, सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको कहा जाता है पुत्रदा एकादशी, ये बड़ा सुंदर योग है। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, सुबह 10:55 से लेकर रात्रि में 9:33 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो ध्यान रखिएगा 10:55 के बाद नए कॉन्सेप्ट्स पर वर्क नहीं करना चाहिए। यदि किसी को शंका हो, हमने तो अनुसंधान करके देखा हुआ है, शास्त्र इसका प्रमाण है, कहा जाता है कि इंद्र ने एक कार्य आरंभ किया, युद्ध था, वह लड़ने जा रहे थे, भद्रा काल में युद्ध का आरंभ किया गया था और उस युद्ध में उनको विजय ही नहीं मिल रही थी, तब वो ऋषि विशेष तौर पर कहा जाता है कि बृहस्पति गुरुदेव के पास गए, उन्होंने कहा क्या कारण हुआ प्रभु कि मेरे को सब कुछ उपयुक्त होते हुए भी युद्ध में विजय नहीं मिल रही है, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि तुमने भद्रा में ये कार्य आरंभ किया तो इसमें विघ्न आने स्वाभाविक हैं। तब उन्होंने भद्रा शांति के लिए कहा जाता है एक वर्ष तक इंद्र ने हर चतुर्थी के दिन भद्रा का उपाय किया, तब जाके भद्रा को शांति मिली, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम मुहूर्त तो देख लेते हैं लेकिन भद्रा को नहीं देखते हैं, तो मैं आपको बताने का हम कष्ट कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। हम अपने इस कार्यक्रम में इन छोटे छोटे तथ्यों को भी आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। हम ऑफिस में अपने कार्य करते वक्त नए प्रोजेक्ट ले लेते हैं, नए कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, नए विचारों पर कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो इस समय को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। यानी 27 तारीख को 10:55 से लेकर 21:00 यानी रात के 9:33 तक का ये काल है, ध्यान रखते हुए इसको छोड़ दीजिए, तो उसके बाद कर लीजिए, उससे पहले कर लीजिए, तो क्या होगा, सुंदर होगा, योग लाभ प्राप्त होगा, एकादशी है इस दिन, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो आपके लिए ग्रह गणना थोड़ी सी भारी बनी हुई है, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है, छुट्टी का दिन है, हम बाहर जाएंगे और कुछ अनहाइजीन वाला भोजन कर लेंगे तो कष्ट में फंस जाएंगे, स्वास्थ्य के मामले में ग्रह भारी हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। और एकादशी है तो उस दिन चावल का त्याग कीजिए, चावल का ध्यान कीजिए। देखिए, कलिकाल में सबसे बढ़िया भगवान इस कहा गया है कि कोई व्रत करो ना करो, कम से कम एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। व्रत करने से कोई कष्ट नहीं होता है, व्रत करने से तो आपका शारीरिक तौर पर स्वस्थ ही होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो इस बात का ध्यान रखते हुए करें। आजकल साइंस का युग है, वैज्ञानिक युग है, छोटी सी बात पे भी लोग कहते हैं ये तो फालतू ऑर्थोडॉक्स बातें, अनसाइंटिफिक बातें, नहीं भाई, आज पूरा विज्ञान कह रहा है कि जितना व्रत हम करते हैं, शास्त्र में, भारतीय संस्कृति में जो विद्यमान है, जो व्रत की बात कही गई है, अल्टीमेटली दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो कोशिश ये करें कि इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ये व्रत इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में विद्यमान कहे गए हैं, ये कहीं कपोल कल्पित अंधविश्वास वाली बात नहीं है, पूरी तरह से साइंटिफिक है। तो कम से कम महीने में एक व्रत अवश्य इसका करने का प्रयास कीजिए, भगवान आपको आयुष प्रदान करेंगे, आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। और आदि भौतिक व्याख्या यदि करेंगे, किस दिन सुनेंगे तो उपवास की वो भी बताएंगे आपको, इस वक्त तो पंचांग के अनुसार जो बता रहे हैं वो करने का प्रयास कीजिए। ग्रह भारी है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना प्रयास कीजिएगा। खर्चे हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई जेब पे हाथ डाल सकता है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। अगली तिथि पे चलते हैं, 28 तारीख है, सोमवार का अवसर है और सावन का अंतिम सोमवार है। इस तिथि को भूल मत जाइएगा, ये 28 जो तारीख है ये सावन का अंतिम सोमवार है और बहुत पुण्य वाला है, ये बहुत पुण्य वाला इसलिए बता रहा हूं
कि उस दिन प्रदोष भी है, सोम प्रदोष है और सावन की अंतिम सोमवार की तिथि चतुर्थ सोमवार पड़ रहा है सावन का, एक साल बाद योग बनेगा फिर इस प्रकार का, और उसमें भी पता नहीं प्रदोष मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, यह भी कोई पक्का नहीं है कि अगले सोमवार अगले सावन में सोमवार पर प्रदोष पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसमें तो पड़ गया है। तो आप कोशिश ये करें, देखिए इस संसार में संसार क्षणभंगुर है, एक घड़ी जो काम पुण्य की मिलती है उसको गवानी नहीं चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही है, तो इन मुहूर्तों का लाभ ले लें। तो हमने प्रदोष क्या होता है, समस्त दोषों से रहित काल, समस्त दोषों को क्षय करने वाला काल। हम जीवन में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत कुछ कर्म करते हैं, अच्छे बुरे सब, पता नहीं कौन कौन से दोष हमारे द्वारा लग जाते हैं और फिर वो पाप बन जाते हैं और फिर वो कष्ट देते हैं, पुण्यों का क्षय हो जाता है। तो इस प्रदोष जो जीवन आता है, हर महीने में प्रदोष की एक तिथि आती है, उसमें यदि भगवान शंकर का स्तवन कर लिया जाए तो कहा जाता है सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, केवल भगवान का स्मरण कर लेने मात्र से। और कहा जाता है इस प्रदोष काल में भगवान शंकर पार्वती के साथ पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, सूर्य अस्त के बाद दो घड़ी का समय, करीब करीब 48 मिनट का समय होता है जो प्रदोष कहा जाता है, उस प्रदोष तिथि के अंतर्गत ये प्रदोष मुख्य प्रदोष समय है। तो ऐसे में वैसे तो हर रोज प्रदोष काल बनता है, लेकिन प्रदोष तिथि में जो प्रदोष बन रहा है, सोमवार में बन रहा है, ये बड़ा पुण्य काल है। और हमने इसी के महत्व को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, आप भी भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक कर सकते हैं हमारे साथ आकर, दूध से, दही से, शहद से, घी से और विभिन्न औषधियों से, विजया के रस से, इच्छु रस से, गन्ने के रस से, सबसे भगवान के विभिन्न अनेक प्रकार के शिवलिंगों का अभिषेक भगवान हमारे विवेकानंद योगाश्रम में किया जा रहा है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। ओम गणानंत्वा गणपति गंगवा महे प्रियाणांत्वा प्रियपति गंगवा महे, इस प्रकार से यहाँ से रुद्राष्टाध्यायी आरंभ होती है और पूरे शांति अध्याय के साथ रुद्र 8 अध्यायों का नमस्ते रुद्र बनने वाद भगवान शंकर के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करते हुए सुंदर तरीके से पाठ रहता है। आप आइए, देखिएगा, भगवान का स्तवन करने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, इसलिए बता रहा हूं आपको। ग्रहों का योगा योग यदि हम बात कर लें तो सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, 10:42 के बाद चंद्रमा का परिवर्तन होगा, वो आपके अंदर पॉजिटिव उदय करने का योग देगा, अच्छा रहेगा और वो आपके लिए लाभ की स्थिति बना सकता है, धन आगमन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो दिन ओवरऑल मिला के अच्छा दिखाई देता है, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बड़ा सुंदर रहेगा। 29 तारीख की हम बात कर लें तो 29 तारीख को मंगलवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ हर्षल ग्रह वक्री हो रहा है इस दिन। हर्षल एक बहुत नवीन ग्रह माना जाता है और ये ग्रह वक्री होकर मकर राशि में वक्र स्थिति में रहेंगे और वक्र स्थिति आपके लिए थोड़ा सा सप्तम भाव में चल रहा है तो ये झगड़े बढ़ा सकते हैं आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा, मंगलवार का अवसर है, झगड़े बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाएं। यदि घर में कोई कष्ट चल रहा है, अननेसेसरी के क्लैश बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक टोटका हम आपको बता देते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन करीब करीब 1.25 किलो जलेबी लेकर वहाँ हनुमान जी को भोग लगा दीजिए और वहीं छोड़ाइए, बंटवा दीजिए। देखिए 2-3 बार ये टोटका कर लीजिए, देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन हयग्रीव जयंती है, भगवान विष्णु के एक अवतार हुए हयग्रीव, जिनका घोड़े के रूप में सिर लगाया गया था। कहा जाता है कालांतर में भगवान युद्ध करते करते एक बार थक गए थे, कहता है 5,000 वर्ष तक लगातार युद्ध चला, तब भगवान थक गए और वहीं धनुष की पतंचा के साथ में जाकर थोड़ी देर विश्राम के लिए गए तो उनको निद्रा आ गई। तो कहा जाता है कि वो जो धनुष की पतंचा थी वो टूट गई और उससे भयंकर आवाज हुई और भगवान विष्णु की गर्दन अलग हो गई। कहा जाता है उसके बाद ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की विष्णु के ऊपर हयग्रीव की गर्दन लगाई, एक घोड़े की गर्दन भगवान के ऊपर अवस्थित की गई और उसी स्वरूप में भगवान ने उस हयग्रीव राक्षस का वध किया, जो हयग्रीव राक्षस का संहार किया, क्योंकि हयग्रीव को वरदान था कि वो हयग्रीव के द्वारा ही मारा जा सकता है। ये कथा बड़ी सुंदर है और ये प्रमाणित करती है कि भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र है। तो भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करने का दिन रहता है, उनको कर आप लाभ भी ले सकते हैं। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। राखी के संबंध में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति चल रही है कि राखी कब मनाई जाएगी, तो एक बात सुन लीजिए, राखी जो है मनाना विशेष तौर पर 30 तारीख को ही शेखर है, 30 तारीख को पूर्णिमा शुद्ध रूप से विद्यमान है, लेकिन उस दिन भद्रा है, तो भद्रा करीब करीब 11 बजे से आरंभ होगी, 10:59 से लेकर रात्रि में 21:02 तक, लेकिन सुबह से जो तिथि रहेगी वो राखी की रहेगी, तो सुबह 11 बजे से पहले पहले आप राखी का उत्सव मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राखी एक भारतीय संस्कृति में बड़ा प्राचीन उत्सव है, लोगों ने आज इसको बेसिकली आधुनिक उत्सव बना दिया है, केवल भाई बहन का उत्सव बना दिया है, जो हिमालयों की कथा चलती है उसके बाद से लोगों ने इसको केवल भाई बहन, आदिकाल में ये रक्षा बांधने का पर्व है, रक्षा
इंद्र ने, इंद्राणी ने इंद्र को बांधी थी। और कहा जाता है कि एक मंत्र आता है, जैन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेनत्वाम प्रतिबद्नामी रक्षे माचल माचल। महालक्ष्मी ने जाकर राजा बलि को बांधा था इसी सूत्र में, और भगवान विष्णु को वहां से छुड़ा के ले आई थी भगवती। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब वामन अवतार हुआ तो महाराज बलि के ऊपर उन्होंने जब उन्होंने वरदान बलि के से भिक्षा मांगी तो बलि ने संपूर्ण राज्य भगवान को जब अर्पित कर दिया तब एक पग भगवान का रह गया। तो कहा जाता है कि अब कहाँ रखूं, तो महाराज बलि ने अपना सिर रख दिया था। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान जब बलि ने मांगा तो बोला भगवान मैं आप जब मैं सुबह उठूं तो आपका दर्शन हो मुझे, तो आप मेरे द्वारपाल बन के मेरे साथ रहेंगे। कहा जाता है कि जब पाताल में बलि को साम्राज्य प्राप्त हो गया था तो भगवान वहीं द्वारपाल बन के खड़े रहे। भगवती बड़ी परेशान हुई कि भगवान वहां द्वारपाल बने बैठे हैं। तो कहा जाता है भगवती महाराज बलि के जाकर इस दिन उनको रक्षा सूत्र बांधा भगवान। और जब उपहार की बात आई तो महाराज बलि ने कहा कि क्या उपहार दूं, बोले भगवान विष्णु को छोड़ो। तब भगवान जैन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेनत्वाम प्रतिबद्ध, उसी प्रकार से यहां बहन जब रक्षा बांधती है ना उसी प्रकार से मैं आपकी रक्षा के लिए अपने भाई की रक्षा के लिए ये सुंदर मांग रही हूं। तो आप सोचे ये भारतीय संस्कृति बड़ी प्राचीन संस्कृति है, तो ये आप जो उत्सव मनाएं आनंद से मनाएं। इस दिन श्रावणी का कर्म भी रहेगा, तो श्रावणी करने के लिए एक बात का ध्यान रखें, सुबह 10:59 से पहले पहले श्रावणी कर्म उपाकर्म कर लेना चाहिए, वो शुद्ध रहेगा। साथ साथ सत्यनारायण व्रत भी उस दिन विद्यमान है। तो आपके ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि सुबह 10 बजे से पहले का समय आपके लिए अच्छा है, 10:22 के बाद समय थोड़ा भारी दिखाई देता है स्वास्थ्य के मामले में और थोड़ा सा कष्ट होने के युग दिखाई देते हैं। तो उसके लिए उपाय करने के निमित्त सत्यनारायण व्रत करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, वो शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। 31 तारीख की ग्रह की गणना देखें तो वो दिखाती है बृहस्पतिवार का दिन है, उस दिन पूर्णिमा है, शुद्ध रूप से पूर्णिमा विद्यमान है, लेकिन केवल एक मुहूर्त से पहले पहले ही समाप्त हो जाएगी पूर्णिमा। तो उस दिन गायत्री जयंती मनाई जाएगी, संस्कृत दिवस मनाया जाएगा, उस दिन गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। माँ भगवती का गायत्री का जो प्रादुर्भाव है वो शास्त्र के अनुसार से बताया जाता है कि भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती और सरस्वती तीनों का मिश्रित स्वरूप है। और महाराज विशेष तौर पर कहा जाता है विश्वामित्र की साधना से प्रसन्न होकर भगवती ने उसी रूप में अवतरित हुआ, और उन भगवती का जो अवतरण हुआ वो समस्त प्रकार से संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है। तो उस दिन संस्कृत दिवस भी है, गायत्री दिवस भी है, और साथ साथ ग्रहों की गणना के अनुसार से उस दिन बुध अस्त हो रहे हैं। और ये बुध का अस्त होना थोड़ा सा व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिक्कत देता है, कष्ट देता है, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रहों की गणना आपको मैंने बताई, इसका उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आपकी जन्मपत्री में कोई बात आपको खटक रही है और सही से उसका नाम नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जो भी प्रश्न हैं आपके वहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद।